सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो रहने वाली है पेरिफेरल्स के रिलेटेड। हम लोग ये कंप्लीट वीडियो में चेक करेंगे माउस, कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, हेडफोन्स की क्या प्राइसेस चालू है अभी ADS में। हम लोग ये नए शॉप में जाने वाले है, वो है ADS लैमिंगटन रोड में आता है। तो अभी जाते हैं ADS में और ADS में देखते हैं हमारे पेरिफेरल्स के क्या प्राइसेस है। प्लस गाइस वीडियो के एंड में गिव अवे है, गिव अवे में जरूर एंटर करना गाइस। और जो वीडियो में फर्स्ट कमेंट करेगा उसके लिए भी एक स्पेशल गिफ्ट है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करना और चलो वीडियो चालू करते हैं। ओके सर, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट पेरिफेरल्स के रिलेटेड। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके शॉप के बारे में हमें जरा बताना, आपका शॉप लैमिंगटन रोड में एक्जैक्टली आता किधर है? पहले तो ओमकार भाई आपको वेलकम हमारे शॉप पे। थैंक यू। हमारे शॉप का नाम सर ADS है। हमारा शॉप त्रिभुवन रोड के कॉर्नर पे आता है। आप मेन रोड पे आओगे लैमिंगटन के, फर्स्ट शॉप हमारा ही है, उसमें कोई इशू नहीं होगा आपको लोकेट करने में। और अगर इशू आ रहा है तो न्यू इंडिया रेस्टोरेंट के ऑपोजिट में ही है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वीडियो हमारा पेरिफेरल्स के रिलेटेड रहने वाला है। देख रहा हूं आपके पास बहुत ही वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है सारे पेरिफेरल्स के रिलेटेड, बीट माउस, बीट कीबोर्ड, बीट हेडफोन्स, बहुत ही वाइड रेंज आपके पास वैरायटीज है। प्लस जो मैं देख रहा हूँ रेड गियर आपके पास इन स्टॉक अवेलेबल है, जो मोस्टली रिटेल आउटलेट्स में अवेलेबल नहीं रहता है। तो स्टार्ट करते हैं, माउस में आप कौन से ब्रांड्स में सर डील करते हो? माउस में सर हमारे पास रेड गियर है, रेजर है, लॉजिटेक है, एक्सेट्रा सारे ब्रांड्स है हमारे पास। आपको जो भी चाहिए अवेलेबल करा के मिल जाएगा आपको बिना कोई इशू। एंड टॉकिंग अबाउट द प्राइस, जो बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग पेरिफेरल्स ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन सस्ता मिलता है, आप ऑनलाइन के प्राइसेस में कम्पीट करते हो? ऑनलाइन प्राइस से हम कम्पीट करेंगे, आपको ऑनलाइन प्राइस से बेटर प्राइस देंगे उसकी गारंटी हमारी है। ओके सर, जो अभी चालू करते हैं प्राइसेस के ऊपर, तो स्टार्टिंग करते हैं माउस से। माउस में आपके पास क्या क्या वैरायटीज अवेलेबल है? माउस में सर हमारे पास सबसे सस्ते में है ये एंटी स्पोर्ट्स का GM300। इसमें आपको 3 DPI ऑप्शंस मिलते हैं 3200 तक और 3 प्रोग्रामेबल बटन्स मिलते हैं। ओके, इसका प्राइस रहेगा 250 रुपीज ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। उसके बाद हम जाते हैं रेड गियर की तरफ से आने वाला A10। इसमें भी सेम फीचर्स है, 3200 DPI तक सपोर्ट करता है, 2 प्रोग्रामेबल बटन है एक्स्ट्रा राइट साइड पे, फुली इकोनॉमिक माउस है। इसका प्राइस आपको आ जाएगा 270 रुपीज। फिर उसके बाद हम जाते हैं लॉजिटेक पे। लॉजिटेक का न्यूली लॉन्च 203 ये हमारे शॉप पे आपको इसका स्पेशल प्राइस मिल जाएगा हर लॉजिटेक के माउस पे। इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 1400 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ये आपको ब्लैक और व्हाइट दोनों में मिल जाएगा। ओके, मतलब 1400 में ब्लैक और व्हाइट दोनों पीस अवेलेबल है। और इसके बाद हम जाते हैं लॉजिटेक के मिड रेंज सीरीज में, जो है लॉजिटेक G402। ये सबसे हॉट सेलिंग माउस है, अप टू 6000 DPI तक सपोर्ट करता है और ये बजट गेमर्स के लिए परफेक्ट पिक है। और इसका प्राइस रहेगा आपको 1800 रुपीज ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर हम जाते हैं प्रोफेशनल गेमर्स के लिए, लॉजिटेक का G Pro वायरलेस न्यूली इंडिया में लॉन्च हुआ था, बहुत बिका था। मेन इसका फंक्शन है वायरलेस है विद लो लेटेंसी एंड 16000 DPI और इसका प्राइस आपको रहेगा 7400 रुपीज ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर उसके बाद हम जाते हैं लॉजिटेक G Pro X सुपर लाइट न्यूली रिलीज है, 64 ग्राम्स का माउस है, सेम फंक्शन है G Pro जैसे बट लाइटर एंड वेरी इकोनॉमिक। इसका प्राइस रहेगा आपके लिए स्पेशल 10800 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ब्लैक और व्हाइट दोनों मिल जाएंगे आप, दोनों का सेम प्राइस है। हाँ जी। उसके बाद हम जाते हैं ASUS पे। ASUS की तरफ से आने वाला टफ M4 माउस, इसमें आपको हनीकॉम देखने मिल जाता है जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग कम होती है पाम्स पे, जिनका लाइक स्वेटी हैंड्स है उनके लिए बेटर रहता है ये। और इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 2800 रुपीज ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ये ASUS की तरफ से आने वाला चक्रम कोर, इसमें आपको वही प्रोग्रामेबल एक्स्ट्रा बटन मिलता है जिसमें जिसको आप जॉयस्टिक की तरह यूज कर सकते हो और इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 4500 रुपीज ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर उसके बाद आते हैं हम ग्लेडियस 2 कोर पे, ठीक है। ये ASUS की तरफ से आने वाला बहुत ही बेहतरीन माउस है, वेरी वेल शेप, आपके हाथ में परफेक्ट बैठेगा अगर आपका मीडियम साइज का हैंड है तो। इसका प्राइस आपको आ जाएगा 3200 रुपीज ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर आते हैं ROG Strix की तरफ से आने वाला इम्पैक्ट 2। ये काफी बेसिक माउस है, अगर आप कोई ROG का लैपटॉप वगैरह लेते हो तो उसपे बहुत ही सूट करता है। इसका प्राइस रहेगा आपको 2600 रुपीज ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ओके, और ROG के इसमें आप मैं देख रहा हूँ सर आपने बहुत ही अच्छे प्राइजेस दिए है और ये प्राइजेस ऑनलाइन से कम्पेरेटिवली बहुत ही हम लोग सस्ते दे रहे हैं आप प्राइजेस। तो ये कैसा, मतलब ऐसे इतने सस्ते प्राइजेस का कैसे दे रहे हो आप? क्या होता है कि हमारे पास ASUS वाले ऑफर लेके आते हैं कभी कभार, तो मेरे पास सारे ASUS के पेरिफेरल्स स्कीम में आए हुए हैं। हमारे पास उनकी A1 प्राइसिंग है, कोई बीट नहीं कर सकता, वैसी प्राइसिंग है। आप बेफिक्र रहकर मुझे पूछिए, आपको निराशा नहीं होगी। ओके, तो सर का जो नंबर है इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप सर को जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी आते हैं सर रेजर के ऊपर, रेजर डेटा ड्रिल एसेंशियल वाइपर मिनी ये सारे माउस के ऊपर, तो इनके क्या प्राइसेस रहेंगे? तो हमारे पास हाल फिलहाल रेजर डेटा ड्रिल एसेंशियल व्हाइट में ही अवेलेबल है। इसमें आपको 6000 DPI देखने को मिल जाता है और इसका प्राइस रहेगा आपको 1250 रुपीज ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर आते हैं हम वाइपर मिनी की तरफ। वाइपर मिनी बहुत ही वाइडली यूज्ड माउस है, बहुत ही अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, लाइट है और इसका प्राइस आपको देखने को मिल जाता है 2500 रुपीज ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर आते हैं हम लोग बेसिलिस्क V3 की तरफ। ये एक अर्गोनॉमिक माउस
से जिनको लाइक आर्म को रेस्ट देना होता है उनके लिए है, G402 टाइप का ही है, कम्स विद अ बेटर सेंसर और इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 5200 रुपीस ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर आते हैं हम रेजर की तरफ से आने वाला सबसे बेहतरीन माउस, रेजर वाइपर अल्टीमेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये माउस आता है 70 ग्राम्स में, देन उसके बाद वायरलेस, एंड देन इसके साथ चार्जिंग डॉक मिलता है आपको, और सबसे अच्छा इसका फोकस सेंसर है जिससे आपको बिल्कुल लेटेंसी नहीं होता है, और इसका प्राइस आपको आ जाएगा 8250 रुपीस ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ब्लैक व्हाइट दोनों अवेलेबल है हमारे पास, आप कुछ भी चाहिए दोनों सेम प्राइस उसमें। yes. अभी आते हैं सीएम के ऊपर, पुला मास्टर्स के मैं देख रहा हूँ दो लाइट माउस जो आपके पास अवेलेबल है, तो इनके क्या प्राइसेस है? पुला मास्टर की तरफ से आने वाला MM720, ये बहुत ही मिनी माउस है, कॉम्पैक्ट माउस है, हनीकॉम डिजाइन के साथ आता है, बहुत ही प्यारा सा माउस है, व्हाइट और ब्लैक में, ये आपको दोनों मिल जाएंगे सेम प्राइस में 3400 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। 34 में दोनों, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों कलर्स में। हाँ जी। अभी आते हैं एंटी स्पोर्ट्स पे, एंटी स्पोर्ट्स का भी आपके पास वाइड वैरायटी है, तो क्या क्या वैरायटीज है आपका इसका? मेरे पास एंटी स्पोर्ट्स में हाल फिलहाल तो GM320 अवेलेबल है, जिसका अर्गोनॉमिक शेप की वजह से बहुत बिकता है, लाइक एंट्री लेवल में ये सबसे बेस्ट माउस है आपके लिए, इसका प्राइस आपको पड़ जाता है 1200 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर इसके बाद आते हैं हम GM500 RGB सीरीज पे, इसमें आपको एक फंक्शन एक्स्ट्रा मिलता है, DPI बटन आपको फ्रंट में ही मिल जाता है माउस के, ताकि आपको माउस को घुमाना नहीं पड़ता बीच में गेम के, अगर आपको DPI चेंज करने का मन हो तो भी, और इसका प्राइस आपको आ जाएगा 850 रुपीस ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर आते हैं हम GM600 पे, ये काफी हेफ्टी माउस है, बड़ा है बट लाइट है, इसका प्राइस आपको रहेगा 750 रुपीस ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ये पहले तो रापू की तरफ से आना वाला वायरलेस ब्लूटूथ माउस है, वन ऑफ अ काइंड, सबसे चीपेस्ट में आता है ये आपको, इसका प्राइस आपको आ जाएगा अराउंड 2700 रुपीस ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। सबसे चीपेस्ट वायरलेस माउस है अब तक मार्केट में गेमिंग वाला, वो भी जिसमें चार प्रोग्रामेबल बटन आते हैं, 16000 तक का DPI सपोर्ट करता है। देन फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट MSI की तरफ से आने वाला क्लच GM08। आप अगर कुछ भी लेते हो हमसे, परचेस करते हो और आपको कोई माउस चाहिए, तो ये माउस के लिए आप जा सकते हो, इस पे हमारे पास स्पेशल प्राइसिंग अवेलेबल है ऑन एनी परचेस ऑन आवर स्टोर, इसका प्राइस आपको रह जाएगा 1500 रुपीस ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। वाओ, बहुत अच्छा प्राइस है, 1500 में MSI जैसा कंपनी का माउस दे रहे हो, और बहुत कॉम्पिटेटिव से मैं बोल रहा हूँ आप जो प्राइजेस दे रहे हो माउस के ऊपर। ओके सर, तो अभी आते हैं कीबोर्ड्स के ऊपर, कीबोर्ड्स में भी देख रहा हूँ आपके पास बहुत ही वाइड रेंज है, कीबोर्ड्स की वैरायटीज है, तो कीबोर्ड्स में सबसे सस्ते कीबोर्ड्स क्या रेंज से चालू होता है? सबसे सस्ते कीबोर्ड सर स्टार्ट होता है 900 रुपए से, जो आते हैं रेड गेयर की तरफ से, क्रिम V2, ये आपको मिल जाता है, मेम्ब्रेन कीबोर्ड है बट बैकलेट आता है RGB लाइट्स के साथ। हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, वो रहेगा टैग की तरफ से आने वाला स्पार्क, 10 कीलेस कीबोर्ड है, नंपैड नहीं आता है बट ये मैकेनिकल है, इसका प्राइस रहेगा 1400 रुपीज ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। कॉस्मिक बाइक की तरफ से आने वाला वर्ड कैस, ये आपको आता है मेम्ब्रेन है, ये मैकेनिकल नहीं है, बैकलेट है, इसका प्राइस आपको आ जाएगा 1400 रुपीज ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। देन हम आते हैं एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला कीबोर्ड माउस कॉम्बो, ये मेम्ब्रेन है, नॉर्मल माउस है, PI स्विच आते हैं, 3 DPI स्विच आते हैं, एंड इसका प्राइस आपको आ जाएगा 1450 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। देन वी शिफ्ट टू लाइवटेक ईवॉन, इसमें भी सेम है एंटी स्पोर्ट्स की तरह, मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, नॉर्मल वायर्ड माउस है, ये कॉम्बो आपको पड़ जाता है 1450 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर हम स्विच होता है फुली मैकेनिकल कीबोर्ड, एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से कम्स विद ब्लू स्विचेस, चेरी MX नहीं है, नॉर्मल ऑप्टम ब्लू स्विच है, ये आपको पड़ जाएगा 1900 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। शेडो एमुलेट फ्रॉम रेड गेयर, वंस अगेन बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है, ये आपको मिल जाता है RGB कीबोर्ड, मैकेनिकल, कम्स विद रेड स्विचेस, ब्लू स्विचेस, बोथ जो आपको चाहिए, इसका प्राइस रहेगा आपको 2000 रुपीस ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट सर, आप इसमें कुछ एक कॉम्बो ऑफर कर रहे हो रिगार्डिंग रेड गेयर का कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड और माउस का? हम ये ऑफर कर रहे हैं कि रेड गेयर का कीबोर्ड और ये रेड गेयर की तरफ से आने वाला GM600 माउस, ये आपको फुल अगर कॉम्बो लेते हो तो ये आपको पड़ जाएगा 2800 रुपीस ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस में, जिसमें आ जाएगा आपको माउस, माउस पैड एंड कीबोर्ड। फिर हम शिफ्ट होते हैं एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला बहुत ही कॉम्पैक्ट कीबोर्ड, रेड स्विचेस के साथ ही आता है, MK1300 मिनी, इसका प्राइस आपको आ जाएगा 1700 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर आते हैं सबसे फेमस कीबोर्ड रेड गेयर की तरफ से आने वाला, मल्टी फंक्शनल है, इसके साथ आपको वॉल्यूम डायल मिल जाता है, मैक्रो बटन मिल जाते हैं, एंटी गोस्ट कीज है, RGB फंक्शनल फुली, ये आपको आ जाएगा 2600 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। देन हम शिफ्ट होते हैं कॉस्मिक बाइक की तरफ से आने वाला वैल, ये आपको आ जाता है नॉर्मल बेसिक मैकेनिकल कीबोर्ड, इसमें कुछ ज्यादा शो शाइनिंग नहीं है, नॉर्मल RGB है, ARGB नहीं आता है ये, इसका प्राइस आपको पड़ जाता है अराउंड 1700 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर हम शिफ्ट होते हैं गाम्बियास की तरफ से आने वाला एरिस P2 कॉम्बो, इसमें आपको माउस, माउस पैड एंड कीबोर्ड तीनों मिल जाता है, कीबोर्ड मल्टी फंक्शनल है, मल्टी मीडिया है बट मेम्ब्रेन है, माउस नॉर्मल है, DPI स्विचेस के साथ है, एक्स्ट्रा प्रोग्रामेबल बटन्स नहीं है, ये कॉम्बो का प्राइस आपको पड़ जाता है 2200 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर हम लोग नेक्स्ट कीबोर्ड पे जाते हैं, जो आता है ब्लैक आई कॉस्मिक पैड की तरफ से, फुल साइज कीबोर्ड है,
रिस्ट्रेस के साथ आता है आपको, रेड एंड ब्लू स्विचेस के साथ मिल जाएगा आपको। इसका प्राइस आपको रहेगा 3000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। फिर हम शिफ्ट होते हैं टैग की तरफ से आने वाला वॉरियर। नॉर्मल आरजीबी कीबोर्ड है, मैकेनिकल है, ब्लू स्विचेस के साथ आता है। इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 1800 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। हमारे पास एक स्पेशल कीबोर्ड है जो एप्पल यूजर्स के लिए बनाया गया है। कीबोर्ड माउस कॉम्बो है, बहुत लाइट वेट है, बहुत थिन है, जैसे आप देख सकते हो। ये एप्पल कंपेटेबल है, आप टीवी में भी कनेक्ट कर सकते हो। और इसका प्राइस आपको रहेगा 2700 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ये ब्लैक और व्हाइट दोनों में मिल जाएगा आपको, और दोनों का प्राइस सेम है। फिर आते हैं हम रापू की तरफ से आने वाला GK500 सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड, मेम्ब्रेन और मैकेनिकल के बीच का। और इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 2600 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। फिर हम आते हैं गामलेस की तरफ से आने वाला हर्मिस E4 कॉम्बो। इसमें आपको सेम वही 60% कीबोर्ड, माउस एंड माउस पैड मिल जाता है देखने को। इसमें जो कीबोर्ड आता है उसमें ब्लू एंड रेड स्विचेस का ऑप्शन मिल जाता है। माउस है उसमें दो प्रोग्रामेबल बटन्स आ जाते हैं, और माउस पैड व्हाइट है, फुल व्हाइट कॉम्बो है। अगर आप व्हाइट पीसी बिल्ड के लिए जा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट। और इसका प्राइस आपको पड़ जाता है 3200 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। फिर आते हैं हम कामलेस की तरफ से आने वाला M5A। ये आपको आ जाता है फुली मैकेनिकल, रेड एंड ब्राउन स्विचेस के साथ आता है, फुल साइज कीबोर्ड है। और इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 3500 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। फिर आते हैं हम हर्मिस M6 की तरफ। फुली व्हाइट कीबोर्ड है, बहुत ही प्रीमियम लुकिंग है। इसके की स्ट्रोक्स की जो फील है वो आप टच करोगे तो मजा आ जाए। और ये रेड स्विचेस के साथ आता है, और इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 3000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। फिर हम शिफ्ट होते हैं रापू की तरफ से आने वाला V500 Pro। ये आपको आ जाता है फुली RGB मैकेनिकल विद ब्लू स्विचेस एंड रेड स्विचेस ऑप्शनल, तो आपको प्रेफर रहेगा। और इसका प्राइस आपको पड़ जाता है अराउंड 2800 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। फिर हम आते हैं ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड, वन ऑफ अ काइंड कीबोर्ड है। ये आपको वायरलेस विद एप्पल कंपेटेबल मिल जाता है। ये रेड स्विचेस के साथ ही आता है, और इसमें कलर ऑप्शन रहता है ब्लैक एंड व्हाइट। और आपको इसका प्राइस पड़ जाएगा 3700 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। फिर हम शिफ्ट होते हैं ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला ज़ेब मैक्स क्रोमा, जो फुल RGB है, जिसका रिफ्रेश भी आप देखोगे तो फुल RGB है। ये आपको अगर कोई कलर स्कीम कर रहे हो या आपको फुल RGB सेटअप ले रहे हो तो उसके लिए बेस्ट कीबोर्ड रहेगा। और इसका प्राइस आपको पड़ जाता है 3500 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। देन हम शिफ्ट होते हैं लॉजिटेक की तरफ से आने वाला G413। जब ये न्यूली रिलीज हुआ था बहुत बिका था, बहुत गेमर्स लोग ले रहे थे, बट इसमें एक इशू था जो गेमर्स को पसंद नहीं आ रहा था कि खाली रेड कलर है, RGB कलर क्या होता है, RGB आज तो सबको चाहिए। और इसमें लॉजिटेक के स्पेशल स्विचेज आते हैं, रोमर जी स्विचेस। और इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 5500 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। फिर हम शिफ्ट होते हैं कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला CK550। इसका एक फंक्शन बहुत अच्छा है, एक ऑप्शन दे देते हैं की स्विच टेस्ट करने के लिए। अगर आपको कभी फील करने का मन करे कीबोर्ड तो आप कर सकते हो। इसमें रिस्ट्रेस भी मिल जाता है आपको, फुली RGB है, बहुत ही वाइब्रेंट RGB कलर है इसके। और इसमें ब्राउन एंड ब्लू स्विचेस के साथ आ जाता है। इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 5000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। हम फिर वापस आ जाते हैं। यार ये थोड़ा क्या लॉजिटेक वाले बोलते हैं, भाई हम दूसरे खर्चा नहीं करते, हम खर्चा करते हैं, एल्यूमिनियम फ्रेम दे दी इन्होंने। यार बोलते बताओ, कभी गुस्सा आया गेमर को, कभी मार दिया हाथ कीबोर्ड पे, तो कीबोर्ड नहीं टूटना चाहिए, बस उसके लिए बनाया लॉजिटेक वालों ने ये। और इसका प्राइसिंग आपको पड़ जाएगा अराउंड 7000 ऑल मतलब अभी ये जरा प्रीमियम कीबोर्ड CA रेंज से चालू हो जाता है। फिर हम आते हैं भाई और एक मेटल बॉडी की तरफ, हाइपर एक्स की तरफ से आने वाला एलॉय ओरिजिन। मेरे पास हाल फिलहाल यही एक वेरिएंट अवेलेबल है, एक्वा स्विचेस के साथ है, सबसे बेस्ट स्विचेस है जो मेरे हिसाब से। तो इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा अराउंड 7400 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। फिर हम आते हैं छोटू सा कीबोर्ड है, प्यारा सा रेजर। इसमें दो स्विच ऑप्शन है, रेड एंड पिंक। रेड हमारा टैक्टाइल रहता है तो उसके लिए रेड ही रखते हैं हम लोग, नॉइजी नहीं रहता है, गेमर्स प्रेफर करते हैं। इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 8000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ब्लैक और व्हाइट दोनों में अवेलेबल है, दोनों स्विच ऑप्शन भी अवेलेबल है। देन फिर शिफ्ट होता है लॉजिटेक की तरफ से आने वाला न्यूली रिलीज G-Pro कीबोर्ड, जो उनके रोमर जी स्विचेस के साथ ही आता है। इसमें कोई अलग की ऑप्शंस नहीं मिलते आपको, बट इनके की स्विचेस बड़े प्यारे होते हैं। और ये एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ सबसे छोटा मिनी कॉम्पैक्ट कीबोर्ड है, वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट वेरी फास्ट। और इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 8200 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ASUS की तरफ से आने वाला स्कोप NX TKL प्योर मूनलाइट रेड स्विचेस के साथ आता है। इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 9200 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। लाइक कीबोर्ड के लिए 9000 रुपया, इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव हम लोग बोल सकते हैं। ROG के जो भी जितने भी अभी कीबोर्ड्स आ रहे हैं, प्लस Corsair के कीबोर्ड्स है, ये सारे एक्सपेंसिव कीबोर्ड्स काइंड में आते हैं। यार अब तो आपने ये तो 9200 सुन के यार आप टेंशन में आ गए, तो फिर ये भाई साहब को देखिए, मल्टीमीडिया फंक्शंस के साथ आते हैं, तीन स्विच ऑप्शंस के साथ आते हैं, सिल्वर, ब्राउन एंड रेड। ये बहुत लिमिटेड मिलते हैं। और इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 14200 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। 14000 रुपीज फॉर अ कीबोर्ड। यस,
कौन लेते हैं ये कीबोर्ड्स पर्स? एंथुजियास्ट लेते हैं, गेमर्स लेते हैं, या जिनको मल्टीमीडिया फीस की जरूरत पड़ती है वो लोग लेते हैं। बट बहुत प्यारे कीबोर्ड आते हैं कॉर्सेयर। फाइनल भाई सबसे महंगा, सबसे भारी और सबसे महंगा कॉर्सेयर की तरफ से आने वाला K95 RGB प्लेटिनम ब्राउन स्विचेस के साथ आता है। वन ऑफ द बेस्ट स्विचेस ऑन द मार्केट और वो भी चेरी MX है भाई। और क्या चाहिए, सब कुछ है कीबोर्ड में, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और क्या प्राइस है इसका? इसका प्राइस रहेगा सर आपको 19,500 rupees ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। वो प्रीटी एक्सपेंसिव। तो ये सबसे एक्सपेंसिव कीबोर्ड और सबसे लास्ट कीबोर्ड हम लोग बोलते हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव है और नॉर्मल कीबोर्ड्स के कंपैरिजन में बहुत ही एंथुजियास्ट लोग लेते हैं। ज्यादा इसका पब्लिक का मार्केट नहीं है इनका। ये हो गए गाइस कंप्लीट कीबोर्ड के रेंजेस। हम लोग ने 900 rupees से चालू करके 19,000 rupees तक सारे कीबोर्ड आपको बता दिए, बीट मैकेनिकल, बीट मेम्ब्रेन कीबोर्ड, सारे कीबोर्ड हम लोग ने बता दिए। तो सर अभी आते हैं हेडफोन्स के ऊपर। हेडफोन्स में भी आपके बहुत वैरायटीज है, बहुत अलग अलग वैरायटीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम एंटी स्पोर्ट्स टू HyperX क्लाउड, बहुत अलग अलग वैरायटीज आपके पास है। स्टार्ट करते हैं हेडफोन्स में। हेडफोन्स में आपके पास क्या क्या प्राइसिंग अवेलेबल है? तो हेडफोन में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंटी स्पोर्ट्स है। एंटी स्पोर्ट्स की तरफ आना H1000। इसमें आपको रिंग RGB मिल जाता है, साइड में हेडफोन्स के बैंड मिल जाता है एडजस्टेबल, और इसका प्राइस आपको पड़ जाता है 1,100 rupees ऑल इंक्लूसिव टैक्स। फिर आता है राकू की तरफ से आने वाला VH310 7.1 सराउंड साउंड के साथ आता है, लिटिल RGB इंस्टिंक्ट के साथ आता है, जो खाली इसके लोगो पे रहता है। इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 1,400 rupees ऑल इंक्लूसिव टैक्स। फिर हम नेक्स्ट आते हैं कॉस्मिक बेल्ट की तरफ से आने वाला ओबेरॉन। इसमें कुछ साइड में ना पूरा RGB पैनल मिल जाता है, फुल लाइट, ठीक है, अगर किसी को लाइट बहुत पसंद है तो उसके लिए बेस्ट है। 7.1 के साथ आ जाता है और इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 1,700 ऑल इंक्लूसिव टैक्स। ओके, तो कॉस्मिक बेल्ट में हम RGB के नशे कर सकते हैं। और सेम फिर से आ जाते हैं कॉस्मिक बेल्ट की तरफ से आने वाला इक्विनॉक्स। बहुत ही कंफर्टेबल है ईयर्स के लिए, थोड़ा बड़ा है साइज में तो बेटर भी रहता है, और 7.1 HD ऑडियो सपोर्ट है, और इसका प्राइस आपको पड़ जाता है अराउंड 2,000 rupees ऑल इंक्लूसिव टैक्स। हम जाते हैं JBL की तरफ आने वाला क्वांटम 300। एकदम स्लीक लुकिंग हेडफोन है, फुल ब्लैक में आता है, 7.1 सराउंड साउंड देखने को मिल जाता है, एक नॉर्मल सा एडजस्टेबल माइक देखने को मिल जाता है, ब्रेडेड केबल आ जाती है। इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 2,200 rupees ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। फिर हम आते हैं रेजर की तरफ। रेजर का सबसे बेसिक एंट्री लेवल हेडफोन है, ये भी 7.1 के साथ आता है, ऑडियो स्क्रोल के साथ आता है। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है माइक म्यूट अनम्यूट करने का, तो आपके हेडफोन में इनबिल्ट आ जाता है, और इसका प्राइस आपको रहेगा 2,800 rupees ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। फिर हम आते हैं HyperX की तरफ से आने वाला क्लाउड स्टिंगर। बेसिक है, जस्ट माइक एडजस्टेबल है और वॉल्यूम डायल है हेडफोन में, बाकी कुछ नहीं है नया। तो इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 2,800 rupees ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। फिर हम आते हैं कॉर्सेयर की तरफ से आने वाला HS35 स्टीरियो। बहुत ही बेहतरीन है, माइक म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन, 7.1 सराउंड साउंड देखने को मिल जाता है इसमें भी आपको, और इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 3,600 rupees ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ROG की तरफ से आने वाला गेमिंग ईयरफोन, बहुत ही प्रीमियम साउंड है, बहुत ही कंफर्टेबल है ईयर्स के लिए, और इसमें आपको माइक अनम्यूट म्यूट सबका ऑप्शन आ जाता है। इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा अराउंड 4,000 rupees ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। देन फिर हम जाते हैं ROG स्ट्रिक्स की तरफ से आने वाला गो कोर हेडफोन, 7.1 सपोर्ट, फुल मैट ब्लैक एडजस्टेबल माइक, का प्राइस आपको पड़ जाएगा 6,000 rupees ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। लॉजिटेक वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम हेडफोन ब्रांड्स है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड भी है इनका जी प्रो सीरीज का। इसमें दो वेरियंट्स आते हैं, जी प्रो और जी प्रो एक्स। इसका प्राइस आपको आ जाएगा 9,500 rupees ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। इनके बड़े भाई है जी प्रो एक्स, इसमें आपको 7.1 ब्लू ऑडियो देखने को मिल जाता है, उसकी वजह से एक्स सीरीज में आ जाता है, और इसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 10,800 rupees ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। हम आते हैं भाई रेजर की तरफ से आने वाले ई स्पोर्ट्स हेडफोन ब्लैक शार्क V2। ये साउंड कार्ड के साथ आते हैं, तो इसके लिए थोड़े महंगे। इसमें और एक वेरियंट आता है विदाउट द साउंड कार्ड, वो आपको मिल जाता है अराउंड 7,000 rupees में, बट ये आपको आएगा 11,000 rupees ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो ये हो गए हेडफोन्स। अभी आते हैं माउस पैड्स के ऊपर। माउस पैड्स में मैं देख रहा हूँ सर आपके पास माउस पैड्स में भी अलग वैरायटीज है, प्लस आपके पास माइक्स में भी HyperX के पॉडकास्ट अवेलेबल है। तो माइक्स में स्टार्टिंग में आते हैं, माइक्स की जो प्राइसिंग है पॉडकास्ट की वो क्या रहने वाली है? माइक तो फिर हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट बेसिक वाला जो आता है, पॉडकास्ट नॉर्मल HyperX का, 2 ईयर वारंटी के साथ आते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन है। टॉप पे इनका म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन आ जाता है, और नीचे से एडजस्टेबल वॉल्यूम का ऑप्शन आ जाता है, और इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 8,500 rupees ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। इसका ही एक और वेरियंट आता है HyperX पॉडकास्ट S, RGB वेरियंट है ये, बस खाली इसमें RGB इंस्टिंक्ट्स दी हुई है, मतलब और कुछ फर्क नहीं है साउंड में, बिल्ड में कुछ फर्क नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, और इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 13,500 rupees ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ओके, मतलब सिर्फ RGB के पैसे है बस, और कुछ नहीं, लाइट चाहिए भाई। अभी आते हैं माउस पैड्स के ऊपर। माउस पैड्स में भी आपके पास अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग वैरायटीज अवेलेबल।
अवेलेबल है। तो माउस पैड्स के क्या प्राइसिंग रेट? शुरुआत करते हैं, चलो हाइपर एज की तरफ से आने वाला फ्यूरियस एक्सेल साइज का माउस पैड है, ये स्पीड एडिशन है हमारे पास अवेलेबल। ये आपको पड़ जाएगा 3500 रुपीज ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। देन शिफ्ट होता है कंट्रोल पे, कंट्रोल में हमारे पास रेजर की तरफ से आने वाला गोलाइथस है, छोटा सा मिनी लुकिंग माउस पैड है बट बहुत ही अच्छा है, और इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 1700 रुपीज ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। हमारे पास आरओजी का सेट ब्लैक माउस पैड यही एक है, इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा अराउंड 3400 रुपीज ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। 3400 रुपीज, मतलब माउस पैड में भी ये बहुत महंगा ऐसा माउस पैड हम लोग बोल सकते हैं, इससे महंगे आते हैं? हाँ आते हैं। ओके फिर हम शिफ्ट करते हैं Asus की तरफ से आने वाला स्कैल्प। ये माउस पैड रेड एक्सेंट्स के साथ आता है, जैसे आप देख सकते हो ब्लैक एंड रेड एक्सेंट्स के साथ, जो ROG का ही लोगो है। ये एक्सेल साइज में आता है, ये आपको पड़ जाएगा अराउंड 2700 रुपीज ऑल इंक्लूसिव ऑफ। फिर शिफ्ट होता है भाई कूलर मास्टर, कूलर मास्टर में आता है ये MP511 एक्सेल साइज माउस पैड, इसका प्राइस रहेगा आपका 1500 रुपीज ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। एंड देन डबल एक्सेल वेरिएंट है, ये भी स्पीड एडिशन है और इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 1900 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो ये हो गए सारे कंप्लीट पेरिफेरल्स, प्लस एक चीज अभी बचा है की कैप्स। की कैप्स में आते हैं, की कैप्स में आपके पास हाइपर एक्स की कैप्स है, बैंक्यू के की कैप्स है। हाइपर एक्स की तरफ से आने वाले ब्लैक और व्हाइट की कैप्स है हमारे पास। ये पुडिंग्स है थोड़े पुराने हो गए, लाइक न्यूअर अभी तक आए नहीं है हाल फिलहाल स्टॉक में मेरे पास। ये आपको बढ़ेंगे 1500 रुपीज ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस में। तो गाइस ये था कंप्लीट वीडियो। और एक चीज सर, आप कुछ तो गिव अवे के बारे में रिलेटेड बताने वाले थे। कर भाई ये तो भाई बड़ा स्पेशल है, इस 15 जुलाई को हमको हो जाएगा एक साल पूरा। ओके भाई हमने डिसाइड किया है कि हम 5G102 गिव अवे करेंगे और एक भाई ये रहेगा गिव अवे। बट भाई गिव अवे के दो सीन है, पहला तो आपको अगर कुछ परचेज करते हो यहाँ से ADS से तो आपको स्टोरी डालनी पड़ेगी मुझे और ओमकार जी को टैग करते हुए, हमारे इंस्टाग्राम पेजेस को टैग करते हुए। और दूसरा ये है कि भाई इनके वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा, इनको लाइक करना पड़ेगा। और एक चीज जो सर ने बताया नहीं, ये वीडियो में जो भी फर्स्ट कमेंट रहेगा उनको G102 माउस एक गिव अवे होगा, बाकी के जो चार माउस है वो नॉर्मल हम जो गिव अवे करने वाले 15 अगस्त को वो नॉर्मल रहेंगे, और जो जी प्रो वायरलेस है वो भी सेम रहेगा, बस सिर्फ एक जो 102 माउस रहेगा वो सबसे फर्स्ट कमेंट जो ये कंप्लीट वीडियो में रहेगा उनके लिए एक गिव अवे रहेगा। और सर ये जो विनर्स है, ये विनर्स हम लोग कैसे निकालने वाले? फिर ये विनर्स हम लोग ओंकार भाई के चैनल के कमेंट्स में से पिक करेंगे, और भाई जिन्होंने जिन ने हमारी स्टोरी शेयर की है, हमको टैग किया है, उनमें से पिक करेंगे, लाइक रैंडम नंबर रहेगा और वैसे पिक होंगे। ओके ये कंप्लीटली रैंडमली पिक होंगे, तो गाइस जरूर कमेंट करना। और इसीलिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था जब ये वीडियो आएगा तभी जो फर्स्ट कमेंट रहेगा उनके लिए गिफ्ट रहेगा। और थैंक यू सो मच सर ये कंप्लीट वीडियो के लिए। और गाइस आई होप आपको ये कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा आई नो, बट बहुत सारे हम लोग ने ब्रांड्स कवर किए, बहुत सारे वैरायटी से कंप्लीट वीडियो में हम लोग ने कवर किए। आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू गाइस, बाय बाय।